खबर की बात करेंगे। रायगढ़ से यह बड़ी खबर है, बैंक डकैती का पैसा बरामद हो चुका है। बलरामपुर के रामानुजगंज से रुपए बरामद हुए हैं। बता दें बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसी के साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। ये पूरा पैसा ट्रक और कार से ले जाया जा रहा था। बैंक डकैती के 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। रायगढ़ बैंक डकैती के बाद चेकिंग अभियान लगातार चला रही थी। चेकिंग अभियान के दौरान ये आरोपी पकड़े गए हैं। तो लगातार सक्रियता प्रशासन की जो है इस डकैती के बाद हमें देखने को मिली। जैसे ये बड़ी डकैती एक्सिस बैंक में हुई, लगभग आपको बता दें सुबह 8 बजे के बाद, 8-8:30 बजे ये बड़ी लूट हुई, डकैती हुई, जहां पर ये डकैत पहुंचे, बैंक में पहुंचे और मैनेजर पर भी हमला किया और 6 करोड़ के लगभग जो है पैसा इन्होंने लेकर के वहां से फरार हो गए। उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय था और चेकिंग अभियान चला रहा था। तो ट्रक और कार में पैसा ले जाया जा रहा था। बैंक डकैती के 4 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। उनसे पूछताछ लगातार जारी है और साथ ही साथ उनसे जेवरात भी बरामद किए गए। आखिर जेवरात उनके पास कहां से आए, पैसा आखिर कितना उनके पास था और कहां पर उन्होंने दिया है, कहां से कहां ले जाया जा रहा था, कौन सा गिरोह है, कहां से कनेक्शन है, तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब हर पहलू पर जो है जांच पड़ताल जारी है। बैंक डकैती का पैसा बरामद हो चुका है। आखिर इस वक्त क्या ज्यादा जानकारी है, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बड़ी डकैती कल हुई सुबह के वक्त, उसके बाद से ही हमने देखा कि प्रशासन की सक्रियता नजर आई और चेकिंग अभियान चलाया गया। अब पैसा बरामद हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। जो रकम है लगभग 4 करोड़ की वो बरामद कर लिया है। एक ट्रक के माध्यम से ले जा रहे थे और आगे आगे एक कार भी चल रही थी, उसी में सभी 7 जो आरोपी थे वो, 3 आरोपी जो अन्य आरोपी थे वो भागने में सफल हुए, लेकिन बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और रायगढ़ के जो एसपी हैं और पूरी टीम के साथ वहां रवाना हो चुके हैं रामानुजगंज में, और रामानुजगंज पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा है। तो ये बड़ी सफलता तो कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से डकैती के पहले जो बैंक कर्मचारियों की, बैंक प्रबंधन की जो लापरवाही सामने आई है, उसी का ये नतीजा भी कहा जा सकता है कि बैंक में जो जो गार्ड था उसके पास हथियार भी नहीं था। सीसी जो टीवी कैमरे लगे हुए हैं वो बंद पाए गए हैं। कई तरह की लापरवाही है वो देखने को मिली है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी भी चूंकि रकम काफी मोटा रकम है तो ऐसे में काउंटिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही जब पुलिस खुलासा करेगी कि टोटल कितने रकम, कितने जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं। लेकिन पूरी जो प्रक्रिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और बाकी बड़ी सफलता युगल यहाँ पर प्रशासन को हाथ लगी है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं नजर आ रही है जिस हिसाब से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आखिर शुरुआती जांच में पुलिस का क्या कहना है, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, नाम क्या है इनका और आखिर कहाँ कहाँ से कनेक्शन इनका जुड़ा हुआ है? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि भी और जो आरोपी थे उनको उनका धरपकड़ करना है, तो ऐसे में ये नाम का खुलासा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे तो आशंका है कि बाहरी राज्य का गैंग सक्रिय होगा। पहले इन लोग सुनियोजित तरीके से रेकी किए और ये बिल्कुल यंग है, उसमें एक अधेड़ जरूर दिख रहा है, लेकिन ये यंग है। और किस तरह से इन लोगों ने ट्रक को या ट्रक को हायर किया है, कैसे वो ट्रकों के माध्यम से पैसा ले जाया जा रहा था, साथ ही साथ ये जो कार थी वो किसका कार है,
फिलहाल पुलिस ने तो जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले की तहकीकात है पुलिस कर रही है। कुछ देर बाद पुलिस हो सकता है खुलासा भी करे, रामानुजगंज पुलिस और रायगढ़ पुलिस दोनों अलग अलग पृथक से खुलासा भी कर सकते हैं, लेकिन सफलता कही जा सकती है। और इसी बहाने ऋतु सभी बैंकों की जांच करनी होगी कि वहां सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है, आखिर बैंकों का लिमिटेशन क्या होता है रकम रखने का, इतनी मोटी रकम बैंक में रखे गए थे, तो ये कई तरह के सवाल है और ये सूक्ष्मता से जांच की बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें हम सदन की दिखाएंगे। कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तीसरा दिन आज है, बेहद ही खास होने वाला है। महिला आरक्षण पर चर्चाओं का दौर आज भी शुरू रहेगा, बहसबाजी हमें देखने को मिलेगी। आर्टिकल 239 उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा लोकसभा में। ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफ़ी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया, अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई, कई बार सर्वसम्मति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए, 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूँ कि बाद में फिर UPA फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई, चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंत लगातार आपको तस्वीरें सदन से दिखाते रहेंगे। कार्यवाही चालू है और चर्चा जो है महिला आरक्षण पर हो रही है, आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को फॉर्म भरवाने का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं प्राणदाता है, वो MP का भंडार अन्न से भर रहे हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, हम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुविधा में इजाफा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में हमने किसान
किसान सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाई है और आपके हित में काम करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस श्रृंखला में एक बार पुनः प्रमुख सचिव ऊर्जा माननीय संजय दुबे जी से आग्रह किया पाए और माननीय ऊर्जा मंत्री 619 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। तो वहीं सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है, अफसरों को धमका रहे हैं, ये बात सीएम द्वारा कही गई। पहले कमलनाथ पैसों के लिए रोते रहते थे, कमलनाथ कहते थे खजाना खाली कर दिया, मैं कहता हूं मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, हम सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। आरटीओ इंस्पेक्टर के घर को निशाना बनाया गया है, दो आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुए हैं। चोरों के हौसले जो है लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरटीओ इंस्पेक्टर के घर को निशाना इनके द्वारा बनाया गया है और सीसीटीवी में ये दो आरोपी कैद हुए हैं। पूरे ही मामले में फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर दुकान में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है, लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हुआ है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर दुकान में अचानक से आग लग गई। फिलहाल मौके पर टीम पहुंची हुई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, किस किस चीज का नुकसान हुआ है, इसकी जांच हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ये बढ़ती चली गई, कई सारा सामान जो है जलकर खाक हो गया और आसपास की भी दुकानों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका असर पड़ा है, चपेट में लिया है। ये तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं, फुटवेयर की ये शॉप बताई जा रही है जहां पर भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबिकापुर में नौकरी के नाम पर ठगी हुई है, 2.5 लाख की ठगी होना बताया जा रहा है। दरअसल कोल माइंस में नौकरी का झांसा दिया गया, 10 लाख में सौदा हुआ था। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की है, नागपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया और पैसे वसूले गए, कोल माइंस में जॉब लगवाने का झांसा युवक को दिया गया और उसके बाद युवक झांसे में आ गया, पैसे भी आरोपी को दे दिए। अब जो है पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लगभग 10 लाख में सौदा हुआ था आरोपी और युवक के बीच में, पैसे दे दिए गए और उसके बाद युवक फरार हो गया, आरोपी फरार हो गया। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है, नागपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।
कहता है वोटर का काफिला आज आ पहुंचा है शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट पर। पिछोर में विकास के नाम पर पिछोर विधानसभा है जीरो। अगर विकास नहीं हुआ होता तो 30 साल से आज विधायक होते। दिल्ली की गांव में तो बिल्कुल नहीं है, गांव में जो स्थिति है डबल बिल हो रहा है किसान के पास। बड़ा विकास नहीं हुआ, जैसे कुछ बड़ी मांग कर रहे हैं कि पिछोर को जिला टॉप पे ले जाएं। अरे सुन लो बेना पानी मोरी सो कमल में मोहर लगा देना, ओ पिछोर खोजिलो बना लेना।